एक्सप्रेस न्यूज कांप रहे थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री, माथे पर था पसीना, जानिए अभिनंदन की रिहाई का पूरा सच। मिजोरम में 20 स्कूली छात्रों समेत कोरोना के 49 नए मरीज मिले। उत्तराखंड सीएम रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक। गुजरात की जनता की सेवा में समर्पित रहा केशु भाई का जीवन, अमित शाह। नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए केंद्र का 31 दिसंबर तक की मोहलत दी। अमेरिका सोशल मीडिया के सीईओ ने पक्षपात के दावों पर खारिज किया, चुनाव की सुरक्षा को लेकर किया वादा। 2+2 वार्ता, अमेरिकी सांसद ने भारत के साथ अपने संबंध को लेकर दिया ये बयान। पाक विदेश मंत्रालय का बयान, कहा भारत अमेरिका साथ बयान में पाकिस्तान का जिक्र अवांछित। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत और ब्रिटेन हुए एक साथ, इस नए पहल को लेकर मिलाया हाथ। मुरादाबाद, ओवरटेक करने के चक्कर में खोया नियंत्रण, मजदूरों से भरी बस पलटी, 6 घायल। आयकर विभाग ने बिजनौर में खंगाला बसपा सांसद का 2 मंजिला मकान। गौरी खान के बेटी सुहाना के साथ दुबई ने पार्लर में कराया मेकओवर। भयावह हादसा, परिवार पर टूटा गम का पहाड़, मौके का हाल देख कांप गई लोगों की रूह। बिकरू कांड, शहीद डीएसपी की एक और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, खनन के लिए बिचौलिया कर रहा था पैरवी। मॉक ड्रिल, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश, लगी आग, 5 की मौत। निलंबित अधिकारी का खुला राज, बड़े अफसर भी हैरान, चेन्नई तक फैला था तस्करी का नेटवर्क। स्वार, बतुआ खेड़ा ग्राम मिलक गुलाम में विकास कार्य न किए जाने पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ किया प्रदर्शन। अलीगढ़, सासनी गेट के मोहल्ला, जायगंज के सराय, मिर्जा दुर्गापुरी में देर रात आईपीएल मैच को लेकर दो पक्षों में विवाद के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मुरादाबाद, जिला अधिकारी राकेश सिंह ने आज नगर पालिका परिषद बिलारी में ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए सेवा का शुभारम्भ किया। बदायूं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज शाम तमंचा के साथ एक गिरफ्तार किया। बदायूं, सहसवान कोतवाली प्रांगण में आगामी त्योहार 12 वफात के मद्देनजर रखते हुए धर्म गुरुओं का व गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सहसवान एसडीएम ने धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक औचक निरीक्षण किया। अलीगढ़, जिले में आवारा गोवंश की समस्या अब नासूर बन गई है, तमाम गौशालाओं और गोवंश को पकड़ने के दावों के बावजूद इनका आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है।